पूनम ने किया महिला सशक्तिकरण की मिसाल कायम। 7 वर्ष से जगदीशपुर से भागलपुर मालवाहक गाड़ी और ऑटो चलाकर कर रही अपने घर का गुजर बसर। जगदीशपुर प्रखंड की रहने वाली एक अबला महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल कायम करते हुए दिख रही है। बताते चले कि पिछले 7 सालों से मालवाहक वाहन से लेकर ऑटो रिक्शा चलाकर न केवल अपने परिवार का भरण पोषण की जिम्मेदारी उठा रही है, बल्कि अपने बीमार पति के इलाज के साथ अपने एक बेटे और एक बेटी को शिक्षा दिलाने का काम कर रही है। पति के बीमार पड़ने के बाद घर की माली हालत नाजुक होने पर पूनम चौधरी ने स्वयं कमाने का बीड़ा उठाया और पहले तो 5 सालों तक छोटे छोटे मालवाहक वाहन चलाए और फिर 2 सालों से ऑटो रिक्शा चलाकर अपने परिवार के लालन पालन की जिम्मेदारी का वहन कर रही है। वो प्रतिदिन जगदीशपुर से यात्रियों को ढोकर भागलपुर तक लाती है और फिर भागलपुर शहर में ऑटो रिक्शा चलाने के बाद शाम को जगदीशपुर जाने वाले यात्रियों को लेकर आती है। सामाजिक ताना सुनने के बावजूद वो अपना हौसला नहीं खोई और आज भी अपनी जिम्मेदारी बाखूबी निभा रही है, जबकि उन्हें किसी तरह की कोई सरकारी या गैर सरकारी सहायता नहीं मिली। ऐसी ही नारी सशक्तिकरण के साथ पारिवारिक दायित्व का निर्वहन कर मिसाल पेश कर रही है। चला रहे हैं सर, गरीबी स्थिति के कारण चला रहे हैं। मेरे हस्बैंड अक्सर बीमार रह रहे हैं और बच्चे सब छोटे हैं, 9 साल का लड़का है, 15 साल की लड़की है। कोई परेशानी भी आई? नहीं सर, पर परेशानी तो खैर जिंदगी में हर मोड़ पे है सर, छोटा मोटा परेशानी से तो क्या कहना है। टेम्पू चलाना कैसे सीखे? हम ड्राइवर को देखते देखते सीख गए। लाइसेंस ले लिया? जी सर, हम मेरा लाइसेंस है। कितना ट्रिप चलाती हैं भागलपुर? हम भागलपुर टू जगदीशपुर 5-6 ट्रिप चला लेते हैं। पति को क्या हो गया है? पति को सुनबहरी वाला बीमारी हो गया है, मतलब वो पैर फेंक फेंक करके चलते हैं, उनका सूना पर उनको ज़्यादा धीपा हुआ या चोट भी लग जाएगा उनको पता नहीं चलता। कितने दिन से परेशानी चल रही है उनको? लगभग मतलब ये बीमारी था बहुत पहले से, लेकिन हमको पता 5-6 महीना से चला। घर आप ही चलाती हैं? जी सर। बच्चे लोग? बच्चे दोनों पढ़ाई कर रहे हैं, एक 5 में है, एक 10th से निकली। सबका भरण पोषण आप ही करते हैं? जी सर। क्या कहेंगी और जो महिला नहीं कर पाती हैं कुछ? नहीं सर, हम तो यही कहेंगे कि परिश्रम करना कोई गुनाह नहीं है और जहाँ तक है ये दुख और सुख तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के साथ में भी लगा हुआ था, उन्हीं को देखते हुए उन्हीं के प्रेरणा से आज हम यहाँ पर चल रहे हैं। क्या नाम?